बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अब्बास मलिक और आप देख रहे हैं नॉलेज एक्शन यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक की तरफ से बहुत ही अच्छी नौकरियों का ऐलान किया गया था। बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई भी किया है, तो आज मैं आपको दोबारा इस जॉब के बारे में बताने वाला हूँ, ताकि वो लोग जिनको अभी तक इस नौकरी के बारे में नहीं पता, वो भी अप्लाई कर सकें, क्योंकि अप्लाई करने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको मुकम्मल मालूमात मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है जो आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा है। गूगल ओपन कर लें, गूगल में टाइप करें जॉब्स जंक्शन ऑनलाइन, लिख कर आप टाइप करें। स्पेलिंग आप इसके चेक कर लें, जॉब जंक्शन ऑनलाइन डॉट कॉम वेबसाइट का नाम है। इस वेबसाइट को आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप आ जाएंगे इस वेबसाइट पे। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट जॉब वाले सेक्शन में आप देखते हैं, तो आपको यहाँ पे स्टेट बैंक के जॉब 2019 आपने इस पर क्लिक करना है। तीसरे नंबर पे आपको शो हो रही है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस जॉब के बारे में मुकम्मल मालूमात पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं, इस जॉब का जो सैलरी पैकेज है वो 82,000 है। आप अंदाज़ा कर लें जी, 82,000 सैलरी पैकेज है इस नौकरी का। तो आपको एक दफ़ा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह आपने अप्लाई करना है, और इस जॉब के लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 4 ईयर प्रोग्राम यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, फाइनेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैथ है, एग्रीकल्चर है, और भी यहाँ पे नाम लिखे हैं, तो आप इनको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एज लिमिट जो आपकी होनी चाहिए वो 26, आपकी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए। 26 से अगर ज़्यादा आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीक़ेकार ये कि आपको यहाँ पे एक लिंक शो रहा है अप्लाई ऑनलाइन, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप आ जाएंगे स्टेट बैंक की वेबसाइट पे। तो यहाँ से आपने इसको फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पे अपनी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो लिख देंगे, अदरवाइज़ इसको स्किप कर देंगे। लास्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट सेंटर आपने सेलेक्ट करना है। तो ये सिटी आपको शो हो रही है, इनमें से कोई भी सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपका टेस्ट होगा। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे, आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो ये तरीका है अप्लाई करने का, ठीक है। तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें, मैंने मुकम्मल तरीका आपको बता दिया है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 11 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, एक दफ़ा तो अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। अगर आपकी जॉब नहीं भी होती तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको चांस ज़रूर लेना चाहिए। आपका कोई भी सवाल है इस जॉब से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।